You know what, Dinesh? What? This time we're going to show our viewers and you a very exciting and amazing, super beautiful piece, which is a Hitachi refrigerator. Okay. A refrigerator? I mean, come on, sardiyan start hone wali, refrigerator ki kisko zarurat hai? Dinesh, don't you use refrigerator in winters as well? Or a technology hai, technology kahin pe bhi hoti hai, and that is why we have home tech. Oh. So, let's take a look. फ्रिज घर में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और आजकल मार्केट में बहुत सी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले फ्रिज अवेलेबल हैं। चलिए आज हम आपको मिलवाते हैं हिताची के फ्रेंच डोर बॉटम फ्रीजर वाले फ्रिज से। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये 650 लीटर की कैपेसिटी वाला फ्रिज है। वैसे इसमें 700 लीटर की कैपेसिटी भी आती है। फ्रिज के बाहर आप देखेंगे, ये एक टच पैनल दिया गया है जिसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। टेम्परेचर को आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, चाइल्ड लॉक को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, एनर्जी सेविंग का ऑप्शन है, क्विक फ्रीजिंग का ऑप्शन भी है यहाँ पे, फ्रीजर के टेम्परेचर को कंट्रोल करने का ऑप्शन भी है यहाँ पे। ये जितना भी डोर है, बाहर का जो डोर है वो पूरा ग्लास डोर है। चलिए फ्रिज के अंदर देखते हैं कितना स्पेशियस है ये फ्रिज। आप देख सकते हैं, जनरली फ्रिज में एक ही साइड पे स्पेस दिया होता है। अगर आपने अपने घर पे वाटर बॉटल रखनी है, जूसेस रखने हैं या कोई भी और आइटम जो है वो स्टोर करनी है, तो एक ही साइड पे ऑप्शन दिया होता है। लेकिन यहाँ पर आपको दोनों साइड पे स्पेस मिलेगा जिसमें आप अपनी कोई भी चीज़ जो आप रखना चाहते हैं वो ईजिली रख सकते हैं। इवन जो यहाँ पर ग्लास शेल्फ दिया गया है, ये भी एडजस्टेबल है। मतलब अगर आपकी कोई आप केक रखना चाहते हैं या कोई आइटम जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी है और कोई छोटी है, तो आप उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं इस शेल्फ को, और उसके हिसाब से उसे रख सकते हैं। नीचे अगर वेजिटेबल ट्रे की हम बात करें तो ये भी काफ़ी स्पेशियस है, और इसमें एरो केयर वेजी कंपार्टमेंट जो दिया गया है, हम देख सकते हैं यहाँ पर टेक्नोलॉजी दी गई है, उससे आपकी वेजिटेबल्स जो हैं इसमें ज़्यादा टाइम तक फ्रेश रहेंगी। इसमें इवन एक एक्स्ट्रा स्टोरेज ट्रे भी दी गई है, अगर आपका सामान ज़्यादा है या आप कोई और आइटम स्टोर करना चाहते हैं, मिल्क रखना चाहते हैं, तो इजीली इसमें वो स्टोर कर सकते हैं। चलिए अब फ्रीज़र की बात करते हैं। जनरली फ्रिज में जो फ्रीज़र होता है वो कम यूज़ होता है और बाकी चीज़ों के लिए हम फ्रिज को ज़्यादा यूज़ करते हैं। इस फ्रिज में फ्रीज़र बॉटम में दिया गया है, जो कि एक अच्छा पॉइंट है क्योंकि बाकी चीज़ों के लिए हम फ्रिज ज़्यादा यूज़ करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रीज़र भी काफ़ी स्पेशियस है। आपकी कितनी ज़्यादा आइटम्स ही क्यों ना हो, इसमें बहुत इजीली आप उसको स्टोर कर सकते हैं। एक और अच्छा ऑप्शन हमें इसमें नज़र आ रहा है वो ये कि यहाँ पर आपको जो आपकी आइस ट्रे है उसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप वाटर को स्टोर करें और ईज़िली आपकी जो आइस है उसे आप यहाँ से निकाल सकते हैं। एक स्कूप भी इसके साथ दिया गया है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो फ्रिज में काफ़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं। यहाँ पर भी आप देखेंगे डुअल फैन कूलिंग इन्वर्टर के साथ साथ जो LED लाइटिंग है वो बिल्कुल सेंटर में दी गई है। ये लाइट ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ पीछे पड़ी है तो उसके ऊपर लाइट है, आगे है तो लाइट नहीं है। तो फ्रिज जो है 650 लीटर की कैपेसिटी वाला, उसकी कीमत है लगभग 1,45,000 रुपये, और जो 700 लीटर की कैपेसिटी वाला है इस फ्रिज में उसकी कीमत है लगभग 1,55,000 रुपये। ये फ्रिज जो है वो 10 साल की वारंटी के साथ आता है। और एक अच्छा और ऑप्शन है इस फ्रिज में, वो ये कि अगर आपके घर में लाइट चली जाती है तो 15 घंटे तक ये जो है आपके फ्रिज में जो कूलिंग है उसको वैसे ही बरकरार रखेगा। That was fantastic. I think I'll buy one, won't you? Yeah, I will. I can sense the sarcasm here. I don't want to see your face. Shruti, come on. Okay, ठीक है. मैं आपसे वीडियो चैट करा करूंगा WhatsApp के थ्रू। Well, what he's trying to tell you is कि वीडियो कॉलिंग अब आ गई है WhatsApp में, और कैसे इसको डाउनलोड कर सकते हैं, क्या है फीचर्स, ये बताएंगे। और इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी की दुनिया में काफी हंगामा हुआ इस बार। Let's take a look at the tech buzz. पॉपुलर मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने अपनी ऐप में वीडियो कॉलिंग फीचर की शुरुआत कर दी है। अब सिर्फ एक अपडेट के बाद आप व्हाट्सएप से वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। आने वाले कुछ दिनों में आपको इसका नया अपडेट मिल जाएगा। ये नया फीचर एंड्रॉइड, iOS और विंडोज प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। अपडेट करने के बाद जैसे ही कॉल बटन पर क्लिक करेंगे आपको वॉइस कॉलिंग का फीचर मिलेगा, और ध्यान रहे जिसे कॉल कर रहे हैं उसके पास भी व्हाट्सएप का नया वर्जन होना जरूरी है।
आपको बता दें कि व्हाट्सएप इंडिया में 160 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स हैं, तो वहीं ग्लोबली इसके 1 बिलियन यूजर्स हैं। फिटनेस वॉच और ट्रैकर मेकर टॉमटॉम ने इंडिया में अपने 3 नए फिटनेस ट्रैकर्स लॉन्च कर दिए हैं, जिनका नाम है टॉमटॉम एडवेंचरर, टच और स्पार्क 3। टॉमटॉम टच फिटनेस पहला ऐसा फिटनेस ट्रैकर है जो स्टेप्स, स्लीप और ऑल डे हार्ट रेट ट्रैकिंग के साथ साथ बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस भी करता है। यही नहीं, टॉमटॉम एडवेंचरर जीपीएस आउटडोर को आउटडोर स्पोर्ट्स जैसे हाइकिंग, ट्रेल रनिंग के लिए बनाया गया है। 24/7 एक्टिविटी ट्रैकर, मल्टी स्पोर्ट मोड, बिल्ट इन हार्ट रेट मॉनिटर जैसे फीचर्स के साथ इक्विप्ड है। तो वहीं टॉमटॉम स्पार्क 3 जीपीएस मल्टी स्पोर्ट फिटनेस वॉच में रूट एक्सप्लोरेशन दिया गया है, जो यूजर्स को नए रास्ते ढूंढने में मदद करता है। जहां टॉमटॉम टच का दाम है 13,999 रुपए, तो वहीं टॉमटॉम एडवेंचर का दाम है 25,999 रुपए और टॉमटॉम स्पार्क 3 का दाम है 13,999 रुपए। पॉपुलर होम ग्रोन मैसेजिंग ऐप हाइक मैसेंजर ने अपनी एप्लीकेशन में स्टोरीज फीचर लॉन्च किया है। इस फीचर की मदद से यूजर्स अपनी लाइफ और रियल मोमेंट्स को स्टोरीज के थ्रू शेयर कर पाएंगे। अब हाइक मैसेंजर के यूजर्स अपनी स्टोरीज, वीडियोस और फोटोज के थ्रू अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। हालांकि ये फीचर इससे पहले स्नैपचैट और इंस्टाग्राम पर ऑलरेडी है, लेकिन इसकी खास बात यह है कि आपकी स्टोरीज आपके फ्रेंड्स 48 आवर्स तक देख सकते हैं। गेमर्स और प्रोफेशनल्स की गेमिंग एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए MSI इंडिया ने लॉन्च किया है गेमिंग और